देखिए वहां की गवर्नमेंट अपने आप एक्शन कर रही है, जहरीली शराब के साथ मरना ये बहुत बुरी बात है। जहां भी कोई अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है वहां जाते हैं। ऐसे ही एक बार जब मैं भी मिनिस्टर था, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, हमारे पंजाब में भी हुआ था, हम वहां पूरी पूरी गवर्नमेंट ने काम स्टार्ट किया। मणिपुर और हाथरस को इसके साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वहां की गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की एक्शन किया, वहां उन्होंने पूरा सरकार ने जाकर, मंत्री जाकर, चीफ मिनिस्टर जाकर वहां आए, पर क्या आज तक मणिपुर के बारे में हम पूरा दिन मणिपुर के लिए वहां कहते रहे कि मणिपुर के ऊपर स्टेटमेंट दे दो। प्राइम मिनिस्टर ने या होम मिनिस्टर ने एक बार भी मणिपुर के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दिया, और आज तक प्रधानमंत्री जी वहां गए नहीं। वहां की जो पिक्चर है, जहाँ के लोग, जो लोगों के साथ वहां हो रहा है, इसके बारे में प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और होम मिनिस्टर, उनको जहां जहां भी कोई छोटी भी घटना होती है तो उनको उसके बारे में बोलना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमने जो बजट लास्ट में दिया था, उस बजट में से जो वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद में जो काम अटक गए थे, अगर वो कार्य भी पूर्ण कर देंगे तो हम मानेंगे कि इन्होंने कुछ किया है। लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है कि सारी की सारी जो हमारे बजट की योजनाएं थी, जो हमारे बजट के जो विकास के कार्य थे, उन सबको समीक्षा के नाम से इन्होंने रोकने का काम किया है। और जो पहले ये बजट लेकर के आए थे, मांगे लेकर के आए थे, बजट की अंतरिम बजट लेकर के आए थे, उसकी एक भी बजट की घोषणा इन्होंने अभी तक पूरी नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल 950 करोड़ की सड़कों की उन्होंने बजट में घोषणा की थी, उसमें से एक रुपए के काम का भी टेंडर आज की तारीख में नहीं हुआ है। तो ये दिशाहीन सरकार है, पर्ची की सरकार है। दिल्ली से अगर कोई पर्ची आएगी तो वो काम करेंगे, इसके अलावा केवल समीक्षा करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, एक दूसरे की जो है वो जासूसी करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे।